डिप्रेशन के लिए यूज़ कर सकती है। असल में ये एंटी डिप्रेशन है, तो अगर आप लोगों को डिप्रेशन हो तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जल्दी घबरा जाना, इसके लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एंजाइटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर इसके लिए भी यूज़ की जाती है। और ईटिंग डिसऑर्डर इसका मतलब ये है कि खाना खाने के बाद आप लोगों को फौरन उल्टियाँ होती है, तो इसको हम ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे उंडर 20 mg टैबलेट के बारे में कि उंडर 20 mg टैबलेट आप लोग कौन सी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसके बारे में आप लोगों के साथ फुल डिटेल शेयर करूँगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये उंडर 20 mg टैबलेट है और इसका कंपोजिशन यानी फार्मूला है फ्लोक्सिटिन 20 mg, और ये स्टैंड फार्मा की है। और इसकी प्राइस के हवाले से अगर हम बात की जाए तो इसका प्राइस पाकिस्तानी PKR प्राइस है 180 रुपये। अगर हम इसके यूजेस के हवाले से बात करें तो ये आप लोग डिप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये असल की एंटी डिप्रेशन है, तो आप लोगों को डिप्रेशन हो तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर इसके लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी जल्दी घबरा जाना, यानी आप लोगों को जल्दी घबराहट होती है तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। और आप लोग एंजाइटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो एंजाइटी का शिकार होते हैं वो लोग इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। और मेंटल डिसऑर्डर इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है, और ईटिंग डिसऑर्डर इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब ये है कि खाने के बाद अगर आप लोगों को उल्टियाँ होती हैं फौरन, तो आप लोग इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। मैंने आप लोगों को बता दें कि असल की एंटी डिप्रेशन है फ्लोक्सिटिन यानी उंडर 20 mg, और ये आप लोग डिप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और पैनिक डिसऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी जल्दी घबरा जाना, इसके लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एंजाइटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ईटिंग डिसऑर्डर यानी खाने के बाद जो फौरन उल्टियाँ होती हैं आप लोगों को, तो इसको हम ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं, तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी साइड इफेक्ट के हवाले से बात करें तो आप लोगों को स्लीप डिस्टर्बिंग हो सकती है, आप लोगों को डायरिया और आप लोगों को हार्ट बर्न हो सकता है, यानी अगर आप लोगों को ये अलामत जाहिर हो तो आप लोग फौरन डॉक्टर से रुजू करें। अगर हम इसकी काउंटर इंडिकेशन के हवाले से बात की जाए तो काउंटर इंडिकेशन का मतलब ये है, यानी वो पेशेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी के दौरान आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर आप लोगों को जब भी इसको यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, ताकि आप लोगों को बाद में कोई मसला ना हो। तो अगर हम इसकी तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात करें, तरीका इस्तेमाल आप लोग इसको एक गोली सुबह नाश्ते के बाद आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, एक गोली सुबह और एक शाम को भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका सही तरीका इस्तेमाल ये है कि आप लोग एक गोली रोज़ाना ओडी इस्तेमाल करें, वो भी आप लोग सुबह नाश्ते के बाद आप लोग इसको इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो गाइज, ये था आज का मेरा वीडियो, आप लोगों को पसंद आई उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।